प्रूफ देखना है कि वाई उसने महात्मा गांधी को गोली मारी। पहली बात ये तो एक सच्चाई लोगों के सामने जो 50 सालों से दबी है वो लोगों के सामने आनी जरूरी है। दिस इज वन थिंग। अनदर थिंग कि जहाँ तक हमने बचपन से गांधी जी को पढ़ा है या मैंने खुद ने गांधी जी को पढ़ा है, आई हैव वेरी हाई रिगार्ड फॉर गांधी जी, हाई रिस्पेक्ट फॉर गांधी जी। सेकेंड थिंग, लेकिन सामने वाले ने उन्हें क्यों गोली मारी ये भी देखने को, ये तो एक मेरी समझ बूझ है कि मुझे भी देखना चाहिए कि उसने क्यों गोली मारी। किसे नथु राम गोडसे को? नहीं नहीं नहीं, ग्लोरीफाई करने का सवाल ही नहीं उठता है। देखिए ऐसी बात है, उसके अंदर एक फैक्ट ऐसा है कि मेरे हिसाब से तो लोगों के सामने सच्चाई आनी जरूरी है क्यों गोली मारी। लोग बोलते हैं डेज ऑन मराठी बुक के 55 कोटी जी गोष्ट है, या तो उनकी एक किताब है उसके अंदर उन्होंने क्लियरली लिखा है कि मैं तो आखिर तक महात्मा गांधी वंदनीय थे, लेकिन जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आई नहीं, उसे दबाया गया 50 सालों से। ये भी बात है ना, लोगों के सामने गुजराती में 80 प्रयोग हुए, तभी ये लोग कहाँ थे, तभी इनको कुछ नहीं आया। जस्ट मैं महाराष्ट्र में गौरव कर रहा है महाराष्ट्र, उसके अंदर मैं नथु राम गोडसे मेरी जात वाला है उसका मुझे और भी ज़्यादा अभिमान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो किया वह क्या है वो निषेध है, उसका मैं अभी भी निषेध करता हूँ। लेकिन फिर भी उसने क्यों मारा ये भी देखना है, या उन्हें क्यों गोली चलाई वो भी मेरे देखना फर्ज है। शायद मेरी थिंकिंग चेंज हो सकते हैं, और वो एक रॉन्ग पब्लिसिटी पहले से हुई कि वो माते शुरू था, वो इंसेंट पर्सन था, कई ये सब टोटली गलत है। जब भी अगर उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी जाए आराम से, तो उसने एक जगह पे क्लियर लिखा है कि जैसे ही उसने गोली मारी तो गोली मारने के पहले उसने उनके पैर छुए थे। वो आखिर तक कहता था कि गांधी जी बहुत वंदनीय थे, और आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो माथे फिरू था या ये था ये था। और अभी जो अभी हुआ है या उसमें कितना तमाशा चल रहा है, ये कोई गांधी जी के तत्वों के खिलाफ है? अगर गांधी जी के तत्व अगर उनको फॉलो करने के लिए जो रोड के ऊपर जमा हुए थे, जिस ढंग से फस चल रहा था या फसा चल रहा था, वो रॉन्ग था।